दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में टेबल यानी कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस का मान हमको निकालने में दिक्कत होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन कॉस के मान निकालने की बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा एक फार्मूला है, ये अंडर रूट एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर जहाँ एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 पुट कर सकते हैं। हमारा एक फार्मूला है एक्स एक्स बाई फोर, एक्स के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हल होता चला जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 0 का है तो यहाँ पे हम एक्स के स्थान पे अंडर रूट एक्स के स्थान पे कितना पुट करेंगे, 0, 0 बाई 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 बाई 4, फिर यहाँ पे 30 में तो अंडर रूट 1 बाई 4, फिर 45 में अंडर रूट 2 बाई 4, फिर उसके बाद 60 में अंडर रूट 3 बाई 4, 90 में अंडर रूट 4 बाई 4। अब देखिए ये किसका मान निकलेगा, साइन का मान। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो क्या, इसके भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे 1 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4। तो अंडर रूट 3 बाई 4 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ से काट दीजिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको क्या पता चला, साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद साइन 30 का मान 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, फिर उसके बाद साइन 60 का मान √3/2, फिर उसके बाद 90 का मान 1। अब हम आगे देखते हैं, साइन का उल्टा कॉस होता है। तो साइन का उल्टा कॉस, तो यहाँ पे कॉस देखेंगे, कॉस, तो यहाँ से देखिए साइन 90 का मान cos 0 का मान होता है, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 60 का मान इसका हो जाएगा 30 का मान √3/2, फिर उसके बाद 45 का मान यही रहेगा 1/√2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 30 का मान है 60 का मान हो जाएगा cos का, फिर यहाँ पे 0। यहाँ तक आया समझ। फिर उसके बाद टेन का मान, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस का मान को उलट दिया, ठीक। अब टेन के मान कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे टेन इक्वल टू क्या होता है, टेन टेन इक्वल टू साइन बटे कॉस। अब हम यही मान लगा लेंगे साइन बटे कॉस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, कितना होगा, 0 हो जाएगा, साइन बटे कॉस यानी कि 0। फिर यहाँ पे काटेंगे क्या हो जाएगा, 2, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2, 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। तो यह हो गया, अब साइन का मान पता चल गया, कॉस का मान पता चल गया, टेन का। अब टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। टेन का उल्टा होता है काट, उल्टा मतलब 90 का मान जो रहेगा वो 0 का मान रहेगा। तो यहाँ पे 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। फिर उसके बाद
यहाँ पे 30 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। फिर उसके बाद एक का मान 45 का मान एक ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 60 का मान 1/√3। फिर उसके बाद 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक समझ में आया? फिर अब देखिए, अब हमको क्या होता है, अगर हमको sec का cosec का मान निकालना है, cosec cosec इक्वल टू क्या होता है, 1/sin, 1/sin। तो यानी कि इसमें sin से 1/sin कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec का मान आ जाएगा, cosec 1/sin। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 का मान 0, 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1/0 करेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, 1/0, यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको 1/ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। फिर इसके बाद 1/ यह करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका 1/ करेंगे क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे sec का मान, sec का मान क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो cosec का उल्टा sec होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। या फिर एक फार्मूला पढ़े होंगे, cos इक्वल टू sec इक्वल टू, sec इक्वल टू 1/cos, इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर 2/√3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 45 का मान 2, फिर उसके बाद 60 का मान 2 और 90 का मान 0। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल